दोस्तों वैसे तो हमारे इस चैनल पर मैंने 350+ वीडियो डाल रखी है, लेकिन आज की वीडियो पहली ऐसी वीडियो होगी जो कि गाड़ियों के अलावा किसी और टॉपिक, बाइक या फिर स्कूटर पर है। ये वीडियो बनानी मुझे कुछ ज़रूरी सी लगी और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को से एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझदार क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, इसलिए आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों जहां हम 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस मनाने में व्यस्त थे, वहीं ओला अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने में व्यस्त थी। एस1 और एस1 प्रो ने 499 रुपये के टोकन की मांग की। इसने देश को एक और महामारी की तरह मारा। ईवी स्कूटर बग ने सभी को काट लिया और कई लोगों ने ओला स्कूटर को बिना यह जाने ही बुक कर लिया कि स्कूटर वास्तविक दुनिया में क्या पेश करने वाला है। आज की वीडियो हम ओला स्कूटर और डिलीवरी से पहले और बाद में खरीदारों द्वारा सामना की जाने वाली सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। ओला स्कूटर स्टोरी सो फार। दोस्तों ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 99,999 रुपए है, जबकि टॉप एंड वेरिएंट S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,29,999 रुपए एक्स शोरूम है। ओला ने एक ऑनलाइन बिक्री मॉडल अपनाया था जहाँ पर प्रोडक्ट को सीधे खरीदार के दरवाजे तक पहुँचाया जाएगा। शुरू में खरीद विंडो 8 सितंबर 2021 को खुलने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हुई और इसे 14 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया। खरीदारों को स्कूटर की अपनी पसंद के लिए 20,000 रुपये ऑनलाइन बुकिंग अमाउंट का भुगतान करना पड़ा। बुकिंग के पहले दिन भारी ट्रैफिक के कारण ओला की वेबसाइट क्रैश हो गई। पहले दिन की बिक्री 600 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जबकि सेकंड डे की बिक्री 500 करोड़ रुपए दर्ज की गई। इसके बाद बुकिंग को 1 नवंबर 2021 तक के लिए सस्पेंडेड कर दिया गया था। ओला ने 30 दिसंबर 2021 तक 111 स्कूटर देने का दावा किया था बिफोर डिलीवरी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी से पहले भी दिक्कतें थी। शुरुआत में ओला S1 को टेस्ट राइड के लिए दिखाया उपलब्ध नहीं करवाया गया था। तब टेस्ट राइड के लिए केवल S1 प्रो ही मौजूद था। टेस्ट राइड केवल चुनिंदा शहरों में आयोजित की गई थी, जहां मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों को शुरू में छोड़ दिया गया था। डिलीवरी में देरी हुई, जबकि सामान्य रूप से वजह माइक्रोचिप्स की कमी बताई गई। आफ्टर डिलीवरी। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के सामने आने वाली समस्याओं की लंबी सूची डिलीवरी के बाद भी जारी रही। स्कूटर को हीटिंग की समस्या का सामना करना पड़ा, जहां स्कूटर को हाइपर मोड में 10 मिनट से अधिक समय तक चलाने पर अधिक गर्म होने पर बंद हो जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर बग है जिन्हें अभी भी सुलझाया जा रहा है। स्कूटर का फिट और फिनिश मार्क तक नहीं और ऐसा लगता है इसे बेतरतीब ढंग से इकट्ठा किया गया है। स्कूटर में पार्किंग के लिए मेन स्टैंड तक नहीं है और दिया गया स्टैंड निम्न गुणवत्ता का है। यदि साइड स्टैंड कभी टूटता है, जो हम तो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो एकमात्र समझदार विकल्प इसे दीवार के खिलाफ या साथ झुकाना या खड़ा करना है। स्कूटर में व्यवहारिक उपयोग की कमी है और तल पर फ्लैट फुट बोर्ड गायब है, जिसका उपयोग अन्य IC स्कूटरों की तरह सामान ले जाने के लिए किया जा सकता है। इंडिया में महिला पिलर सवार आमतौर पर दोनों पैरों को एक तरफ करके बैठती है और एक फुट रेस्ट होता है। पीछे बैठने वाले के लिए स्कूटर में साइड फुट रेस्ट का अभाव है। ग्रैब रेल्स को ठीक से टाइट नहीं किया जाता और तेज गति से खड़खड़ाहट होती है। ओवर प्रोमिस्ड एंड अंडर डिलीवरीड। दोस्तों ओला स्कूटर ने बेस वेरिएंट S1 के लिए 121 किलोमीटर की रेंज का वादा किया था, जिसमें 2.98 kWh का बैटरी पैक था, जबकि टॉप एंड वेरिएंट S1 प्रो ने 3.97 kWh बैटरी पैक के साथ 181 किलोमीटर की रेंज का वादा किया था। स्कूटर ने 90 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड का दावा किया, लेकिन वास्तविक जीवन के आंकड़े काफ़ी कम और चौंकाने वाले थे। S1 प्रो पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी के साथ बिना पीछे बैठे सवार के मुश्किल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। डिलेड रिफंड। दोस्तों जो खरीदार ओला स्कूटर नहीं खरीदना चाहते थे और जिन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी, ऐसे खरीदार को एक थकाऊ धन वापसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। खरीदार के खाते में राशि जमा होने में धन वापसी प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 दिन लग गए। कई संभावित खरीदार जिन्होंने अपनी बुकिंग रद्द कर दी थी, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को निराशाजनक बताया था और कुछ ने अपना असंतोष सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। आपको क्या लगता है, क्या आप ओला स्कूटर खरीदने जा रहे हैं या पहले इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कंपनी की प्रतीक्षा करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या आपने भी इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक करवाया है या था, या जब बात इलेक्ट्रिक वाहनों की आती है तो क्या आप शुरुआती अपनाने वाले हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा दोस्तों आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।